हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट विजन। डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टीच यू टुडे द पार्ट ऑफ नेशनलिज्म एट साइमन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं साइमन कमीशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि पहले मैं पढ़ाता रहा हूँ, पहले हिंदी में बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सो रिक्वेस्ट है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जैक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो पेशेंसली फुल वीडियो को देखें तो सारी बातें उसे समझ में आ जाएगी। साइमन कमीशन, जैसा कि नाम से जान रहे हैं, ये ब्रिटेन में 1927 ईस्वी में 8 नवंबर 1927 ईस्वी में एक कमिटी का गठन हुआ। 7 MPs, ब्रिटेन के 7 MPs का एक कमिटी बनाया गया, जिसका हेड था सर जॉन साइमन, और उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। प्यारे बच्चों, दरअसल 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में मुख्य प्रावधान यह था कि हर 20 वर्ष में इंग्लैंड के प्रतिनिधि, यूके के प्रतिनिधि भारत आएंगे और भारत में सरकार के सुधार कार्यों का मूल्यांकन करेंगे और सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं और कौन से कदम उठाने जरूरी हैं, है ना, राजनीतिक सुधार हो, सामाजिक सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, इस पर अध्ययन करेंगे। इसी के तहत ये 7 मेंबर वाली कमेटी गठित की गई थी, जो कि भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। लेकिन जैसे ही इस कमेटी का गठन हुआ तो यहां पर भारत में इसकी सूचना दी गई तो भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, सारे वर्ग ने विरोध किया। कारण क्या था जी? इस कमिटी का एक भी मेंबर भारतीय नहीं था। तुरंत कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई मद्रास में 1927 ईस्वी में। जैसे ही वहां पर नवंबर में हुआ या दिसंबर में मीटिंग हुई और कांग्रेस पार्टी ने रिजोल्यूशन पारित किया कि हम इस कमिटी का विरोध करेंगे। और जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया, पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में साइमन गो बैक के नारा से वातावरण गूंज उठा। धरना प्रदर्शन जुलूस के द्वारा लोगों ने साइमन को काले झंडे दिखाए, साइमन कमेटी को, उसके मेंबर को काले झंडे से हर जगह पर उनका विरोध किया गया। अंग्रेज मानने वाले कहां थे? वो तो हमेशा क्रूरता का सहारा लेते थे, हमेशा दमन का सहारा लेते थे, इस बार भी वही किया। नेताओं को जेल में ठूस दिया गया और सबसे बड़ी बात, लाठी चार्ज की गई। लखनऊ में जब प्रोसेशन निकाला तो लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू को लाठी मार के घायल कर दिया गया। गोविंद बल्लभ पंत को लकवा मार दिया, इतना लाठी उस पर बरसाई गई। और शेरे पंजाब लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर को उन्होंने लाहौर में रैली निकाली थी, जुलूस निकाल का नेतृत्व किया था, उन पर तो जुल्म की इंतहा पार कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। उन पर इतनी लाठियां बरसाई गई कि एक सप्ताह के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने बोला, जब उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी ना, तो लाला लाजपत राय ने अनाउंस किया शेर की तरह दहाड़कर कि मेरे शरीर में पड़ने वाली एक एक लाठियां अंग्रेज सरकार की आखिरी कील साबित होगी, उसके ताबूत में, अंग्रेज सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, ऐसा उन्होंने घोषणा किया लाला लाजपत राय ने। और साइमन कमीशन का विरोध पूरे देश में किया गया, पूरे देश में किया गया। अब विरोध के पीछे कारण क्या था कि एक भी सदस्य भारतीय नहीं था जी। इसमें वोट के बारे में, एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। इसमें सेंटर को कमजोर करने का व्यवस्था था कि केंद्र को कमजोर कर दिया जाए और राज्यों को ताकतवर बना दिया जाए। गवर्नर जनरल वायसराय की शक्ति में कोई कमी का प्रावधान नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये जो सांप्रदायिकता के आधार पर जो पृथक निर्वाचन था ना, उसको जारी रखा गया था। फलतः
बड़े पैमाने पर भारतवासियों ने इसका विरोध किया। डियर स्टूडेंट्स, साइमन कमीशन, इट वॉज अ कमीशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 8th November 1927. It was the committee of 7 MPs of United Kingdom, headed by Sir John Simon. So the name was Simon Commission because of the head of the committee was Sir John Simon. This committee was appointed to sustain the provision of Government of India Act 1919. According to that act, there was provision that every 20 years, after every 20 years, representatives of United Kingdom would visit India to know the reforms, to know the government policies, schemes, etc. So they were appointed under the chairmanship of Sir John Simon, but there were no members of Indian origin or India. So the committee was opposed, protested by the Indians. The meeting of INC was held in 1927 December in Madras, and resolution was passed to oppose this committee widely. As soon as on 3rd February 1928 Simon Commission arrived in Mumbai, the committee was opposed with black flag everywhere. Protest, procession, julus, dharna with black flags were arranged everywhere, and "Go back Simon," the slogan echoed in the environment of India. "Go back Simon, Simon wapas jao," this slogan was echoed everywhere. The whole country was against Simon Commission, but the British government treated harshly. The lathi charge, the persons were imprisoned, tortured. Jawaharlal Nehru was hounded at lathi charge in Lucknow. Govind Ballabh Pant was paralyzed in lathi charge. Shere Punjab, Lala Lajpat Rai, popularly known as Shere Punjab, was killed in lathi charge in Lahore on 30th October. He was killed within a week after the lathi charge, but when he was being beaten harshly by the lathi, by the British policeman, he roared that every lathi was the last nail of English funeral bed. It was the last nail of English taboot, the government's system. And it so happened, whole country was against Simon Commission. The reason behind the opposing, protesting widely this commission was, there were no Indian members, so that it was also known as White Commission. All the members were Britishers. There were no provision of adult franchise. There was no provision of abolish the separate electorate, the provision of weak center, the provision of powerful province, or moreover, no reducing power of Governor General or Viceroy position. The committee was opposed widely. Gandhiji condemned the committee and its report, saying that it was Britishers' policy to delay, to transfer the power in India.
इन दिस वे वी कैन से दैट शामन कमीशन वाज फुल्ली फेल्ड इन इंडिया. थैंक यू वेरी मच. अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू डियर स्टूडेंट्स टू प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई चैनल सो दैट आई वुड पास द नेशनलिज्म और अनदर चैप्टर्स इन सोशल स्टडी स्पेशली फॉर CBSE स्टूडेंट्स टू लार्ज कॉन्टेक्ट. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.